मुरादाबाद जिले में धान खरीद के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके लिए 55 धान क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 28 धान क्रय केंद्र का अप्रूवल मिल चुका है। करीब 4000 किसानों ने इन केंद्रों पर धान की बिक्री के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष किसानों को कॉमन धान के लिए 2040 रुपए और ग्रेड वन धान के लिए 2060 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट मिलेगा। इस वर्ष धान के रेट में 100 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया कि केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। धान खरीद के लिए धान की अभी हमें पॉलिसी आने वाली है, मतलब मिली नहीं है, परंतु फिर भी हमने तैयारी पूर्ण कर ली है और इसमें हमारे 55 केंद्र धान के लिए मतलब हमारे प्रस्तावित हो गए हैं, स्वीकृत हो गए हैं, जिनमें से कि हमें अभी जो पंजीकृत है उनका भी हमें क्लियर नहीं हुआ है। 28 का हमारा क्लियर हो गया धान का केंद्र। इसमें व्यवहारिक समस्या ये है कि क्योंकि विगत बरसात काफ़ी हुई है, काफ़ी धान का नुकसान हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि धान क्रय केंद्रों पर कुछ कम आने की संभावना है, काफ़ी खराब हो गया है, परंतु हमारी फिर भी मतलब सब चीज़ तैयारी पूरी है और इसमें जब भी काश्तकार धान लाएंगे और इसमें हमारे लगभग 4000 रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं, मतलब जो काश्तकारों ने कराए हैं उसमें 1000 लगभग हमारे अप्रूवल भी हो चुका है। जब भी धान आएगा तो काश्तकारों की सुविधा के लिए हम धान क्रय केंद्र किया जाएगा।